video relating to our first chapter, chapter 13, class 11, chapter name है हमारा laser subject accountancy. हमने इसमें कल एक वीडियो में पढ़ा था how to post the lasers from the journals. ठीक है, जर्नल एंट्रीज जो हमें गिवेन होती है उनसे हम किस तरह से अपना लेजर पोस्ट करते हैं. तो सबसे पहला एक पॉइंट आता है हमारा इसमें, कह रहा है बॉट. गुड्स फ्रॉम अनुराग ऑन क्रेडिट. बॉट गुड्स फ्रॉम अनुराग ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 65,000. 65,000 का गुड्स हमने परचेज किया है अनुराग से क्रेडिट पर. तो एंट्री हमारी जो बनेगी वो क्या एंट्री बनेगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग. ठीक है, और जो इसकी नरेशन पॉइंट आ जाएगा और इसमें अमाउंट हमने कितना किया है 65,000 का परचेज किया है. अब देखो यहाँ पर हमारे जो एंट्री के बेसिस पर दो लेजर बन रहा है, पहला हमारा है परचेज का, दूसरा हमारा अनुराग का लेजर है. अब इसको इसमें लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे, हमारा फॉर्मेट बन जाएगा. फॉर्मेट है हमारा, इस तरह से इसको पोस्ट कर लेंगे. डेट पार्टिकुलर जीएफ अमाउंट डेट जीएफ अमाउंट डेट पार्टिकुलर जीएफ और अमाउंट. ठीक, ये डेट का कॉलम हो जाएगा, ये पार्टिकुलर का, जीएफ जनरल फोलियो, ये रुपीज का कॉलम हो जाएगा, फिर से ये डेट का कॉलम हो जाएगा, ये पार्टिकुलर का कॉलम हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया. जीएफ का डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट डेट पर्टिकुलर जीएफ और ये अमाउंट का कॉलम हो गया. अब तो उसमें एंट्री जो हमारी पोस्ट करेंगे, सबसे तो पहले हम बना लेते हैं किसका, कैश की बात, परचेज की बात कर लेते हैं. परचेज का लेजर बनाते हैं, तो परचेज के अपोजिट हमारा क्या पड़ा हुआ है, ये हो गया हमारा परचेज अकाउंट. परचेज के अपोजिट हमारा पड़ा हुआ है टू अनुराग, टू अनुराग. अब अनुराग का अमाउंट कितना है हमारा 65,000. 65,000 का हमने गुड्स अनुराग से परचेज किया है. अब इसमें मैंने बताया था दो तरीके होते हैं, एक तो हम बैलेंसिंग कर देते हैं. अगर हमें बैलेंसिंग नहीं करनी है तो हमारा क्वेश्चन पॉइंट इतना ही कंप्लीट हो जाएगा, आगे जब बनेगा उस पर कंटिन्यू कर लेंगे. लेकिन अगर हम बैलेंसिंग करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी. बैलेंस सी डी में अमाउंट कितना जाएगा 65,000. यहाँ पर हम इसका टोटल कर देंगे, यहाँ 65,000 हो गया, यहाँ पर भी हमारा 65,000 हो गया. अब मान लो सपोज दैट यहाँ पर ये फर्स्ट जनवरी की हमारी ट्रांजेक्शन है, तो ये अकाउंट क्लोज होते हैं, बंद करेंगे, 31 जनवरी आ जाएगी यहाँ पर हमारी, और नेक्स्ट मंथ की हम बैलेंस इसको क्या करेंगे, बी डी कर देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए. तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट फेब, ठीक है, और आ जाएगा टू बैलेंस बी डी. टू बैलेंस बी डी में कितना आ जाएगा 65,000. तो इस तरह से हमारा एक लेजर कंप्लीट हो जाएगा. अब हम बात करते हैं दूसरा लेजर हमारा किसका है, अनुराग का. तो दूसरा लेजर हमारा अनुराग का है, उसको हम किस तरह से पोस्ट करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे. दूसरा लेजर हमारा किसका है, अनुराग का है. तो अनुराग का लेजर कैसे बनेगा हमारा वो देख लेते हैं. ये सेम प्रोसीजर है फॉर्मेट बनाने का हमारा,
बंदा किसका? अनुराग। अनुराग अकाउंट ठीक है, यहाँ पर भी कोई सेम डेट पार्टिकुलर जीएफ ऑफिस डेट पार्टिकुलर जीएफ और रुपीज जीएफ कमी से यहाँ पर क्या है जनरल फोलियो। अब देखो यहाँ पर अनुराग जो है हमारा, अनुराग क्या है क्रेडिट है, तो इसको अपोजिट एंट्री कहा जाएगी डेबिट में। डेबिट हमारा कौन सा हो गया बाय परचेज अकाउंट, कितना था रुपीज 65,000। 65,000 अमाउंट के कॉलम में आ जाएंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 65,000, टोटलिंग कर लेंगे इसकी 65,000 और ये 65,000, और यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस डीडी 65,000। इस तरह से हमारी ये एंट्री जनरल एंट्री के बाद में इसको हम मेजरिंग पोस्ट कर लेंगे। तो ओवरऑल हमारी पहले हमें जनरल एंट्रीज बनानी, अगर हमें क्वेश्चन गिवन है तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जनरल एंट्रीज को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर हम उसे लेजरिंग में जाएंगे। तो लेजरिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ लेजर्स हमें बनाने हैं। जैसे इसमें हमारे दो पॉइंट बन रहे थे, पहला पॉइंट परचेज का बन रहा था, दूसरा हमारा अनुराग का बन रहा था, तो यहाँ पर हमारे दो लेजर बने। इसी तरह से जनरल एंट्रीज में जितने भी पॉइंट हमारे बन रहे होंगे, जो रिपीटेड पॉइंट होते हैं उनको बार बार नहीं लेते। जैसे परचेज चार बार आया, तो चार बार में केवल हम परचेज को एक ही बार उसमें नंबर डाल देंगे, हाँ ये परचेज का लेजर बना। जितनी भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो परचेज के लेजर में पोस्ट कर देंगे। अगर अनुराग से हमने चार बार ट्रांजेक्शन किए, तो अनुराग से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो अनुराग के अकाउंट में आ जाएंगे। इस तरह से जितने भी हम लेजर्स बनाते हैं उन सारे लेजर्स का पोस्टिंग उनके। पॉइंट हमारा क्या है, परचेज कंप्यूटर एंड प्रिंटर फॉर रुपीज 7,000 फॉर ऑफिस यूज। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा परचेज कंप्यूटर एंड प्रिंटर फॉर रुपीज 70,000 ठीक है, फॉर ऑफिस ऑफिस यूज के लिए हमने कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है कितने का 70,000 का। तो अब तो इसमें हमारी बेसिक जनरल एंट्री जो क्या बनेगी, वो जनरल एंट्री क्या बनेगी, पहले हम जनरल एंट्री देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी क्या नाम है पोस्टिंग कर लेंगे। तो एंट्री हमारी बन जाएगी ऑफिस क्या बने ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री बन गई। अब इसमें भी हमारा कोई पॉइंट, पहला हम लेजर इसका बना लिया, दूसरा हमारा लेजर कैश का बन जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफिस इक्विपमेंट की। ऑफिस इक्विपमेंट में हमारा जो अकाउंट ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, अब इसमें हमारा जो एंट्री है अपोजिट में क्या है टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट खरीदा हमने, तो इसमें कितने का खरीदा था 70,000 का ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 70,000 यहाँ आ जाएगा। अब देखो इसमें भी हमें बैलेंसिंग करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन 70,000 ठीक है, टोटल कर देंगे इसका। इस चीज़ का ध्यान रखना कि हम दो मेथड फॉलो कर लेते हैं इसमें, एक हमारा बैलेंसिंग मेथड होता है हमारा
सीधा सीधा सा क्वेश्चन किया, जितना पॉइंट आया उतना छोड़ दिया, बाकी सीधा जहाँ पोस्टिंग करनी है वहाँ पोस्टिंग कर दी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया उसका ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट, और इसको हमने बी डी कर लिया 2 BD, कितना 70,000 कैश हमारा उसका ऑफिस इक्विपमेंट का। दूसरा लेजर हमारा बनता है किसका, क्या नाम है, कैश अकाउंट का। हम इसमें कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे, सेम फॉर्मेट रहता है, कॉलम्स अलग अलग बनते हैं, बस फॉर्मेट हमारा पूरा वही रहता है। तो ये हमारा ऑफिस इक्विपमेंट का लेजर बन गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेजर बना रहे हैं किसका, कैश का। ये हमारा नेक्स्ट लेजर बनेगा किसका, कैश अकाउंट का, कैश अकाउंट। तो कैश हमारा क्या है, क्रेडिट में पड़ा, इसकी अपोजिट एंट्री कहाँ जाएगी, डेबिट में। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इक्विपमेंट, बाय ऑफिस इक्विपमेंट में हमारा एंड अमाउंट कितना आएगा, 70,000। यहाँ पर आ जाएगा 2 BC, तो बैलेंस CD में कितना आ जाएगा, 70,000। यहाँ पर हमारा इसका टोटल हो जाएगा, उसके बाद में ये हमारा इधर का टोटल हो जाएगा, उसके बाद ये जो बैलेंस हमने CD किया यहाँ पर आ जाएगा बाय $70,000। तो ये हमारा इस तरह से ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। हमारा इसी तरह से एक नेक्स्ट एंट्री हमारी बनती है, सोल्ड गुड्स टू फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू हितेश, हितेश फॉर रुपीस 10,000। हमने गुड सोल्ड किया है कैश में हितेश को, तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर भी हमारे दो ही लेजर, हर एंट्री में ऑलमोस्ट मिनिमम जो लेजर बनेंगे हमारे दो लेजर इफेक्टेड होते हैं, जैसे क्योंकि हमारी ये जो एंट्री है हमारी डबल एंट्री सिस्टम बेस है, तो इसलिए हमारे हर एंट्री दो लेजर इफेक्टेड करेगी। अब हमारा पहला के लेजर किसका है, कैश अकाउंट। सिंपल सा यहाँ पर मैं पोस्टिंग करना बता रहा हूँ कि लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पर हमें पहले, सबसे पहले क्या होता है, अगर जनरल ट्रांजेक्शन पॉइंट गिवेन है तो ट्रांजेक्शन पॉइंट से हमें जनरल एंट्री पोस्ट करनी होती है, जनरल एंट्री से फिर हम उसकी जितने भी हमारी जनरल एंट्रीज बनकर आ जाती है उनको फाइंड आउट करते हैं, तो उससे हमारी लेजरिंग पॉइंट बनकर आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट बनकर आ रहा है उसमें एंट्री क्या बनेगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, सपोज दैट डेट है हमारी 1 फरवरी की, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी फर्स्ट फाइव, यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट, कितने की सेल्स की है, 10,000 की, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 10,000। ठीक है, यहाँ पर बाय बैलेंस CD हो जाएगा 10,000, और यहाँ पर टोटल हो जाएगा ये दोनों का 10,000, और यहाँ पर ये 10,000, और ये आ जाएगा टू बैलेंस BD रुपीज 10,000। ठीक है, इस तरह से हमारा ये लेजर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अबाउट द कैश सेल्स, इसको भी हम यहीं पर बनाकर देख लेते हैं कि किस तरह से कैश का लेजर बनेगा। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट के लिए वो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू सेल्स अकाउंट, तो इसका अपोजिट पॉइंट कहाँ जाएगा, बाय कैश। तो यहाँ पर आ जाएगा ये सेल्स का हमारा, सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, कितने का था, 10,000 का। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस सी डी 10,000 टोटल हो जाएगा दोनों साइड का, यहाँ पर भी 10,000 आ जाएंगे और यहाँ पर भी 10,000 आ जाएंगे। इसके बाद ये जो बैलेंस हमने सी डी किया था यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस बी डी कितने का। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब हम टोटल से पहले जो लिखते हैं वो सी डी लिखते हैं और टोटल के बाद बी डी लिखते हैं। जब भी हमारा बैलेंसिंग होगी तो टोटल से पहले हमारा सी डी आएगा और टोटल के बाद जो बैलेंस ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए वो हमारा बैलेंस बी डी के नाम से आएगा। तो इस तरह से हमारे ये ट्रांजेक्शन पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, इस तरह से हमारी लीजिंग पोस्टिंग की जाती है।